नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, वायु के एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। सारे विशाल पेड़ खाली स्थान से गिर पड़े। पहला ऑप्शन है प्रवंजन, दूसरा ऑप्शन है धूप, भूकंप, वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रवंजन। सारे विशाल पेड़ प्रवंजन से गिर पड़े हैं। दूसरा प्रश्न है, जिसे पान करने से अमर हो जाए, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है अमृत, दूसरा ऑप्शन है अनिल, सलिल, अखाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अमृत। जिसे पार करने से अमर हो जाए, यानी जिसे पान करने से अमर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? अमृत बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है अब तुम मैं को बेवकूफ नहीं बना सकते, दूसरा ऑप्शन है अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, तीसरा ऑप्शन है अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, चौथा ऑप्शन है अब तुम मुझको बेवकूफ ना बना सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। चौथा प्रश्न है, झूठ बोलना पाप है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद बदलकर लिखिए। दूसरों को हानि पहुंचाना, मनुष्य को ना मानना, सच बोलना, फूल बिछाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूठ बोलना पाप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों को हानि पहुंचाना। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है। पहला ऑप्शन है लड़ना मरना, मरना लड़ना, झगड़ना मारना, लड़ना झगड़ना। तो देखिए, झगड़ना लड़ना नहीं होता, क्या होता है? लड़ना झगड़ना होता है। ऑप्शन नंबर फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक सभी को? छठवां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। रात और संध्या के बीच का समय काली, बताना है कि आपको क्या बोलते हैं। ठीक है, रात और संध्या के बीच के समय को हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है बेला, अस्ताचल, गोधूली, सायकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोधूली, ऑप्शन नंबर थ्री। रात और संध्या के समय को क्या बोलते हैं? गोधूली बोलते हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वार्थ सिद्ध करना, सबकी मदद करना, सबको साथ लेकर चलना, निरर्थक साबित होना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू सीधा करना यानी अपना काम बनाना, यानी स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, जो आपका स्वार्थ हो उसे सिद्ध करना। आठवां प्रश्न है, निम्न मुहावरे को पूर्ण कीजिए। हाथ की खालिस्तान बनना, कठ जामुन, कठमांडू, कठपुतली, कठगुलाब। तो देखिए, आपको पता है कि क्या बोलते हैं हम? कठपुतली बोलते हैं। हाथ की कठपुतली बनना मुहावरा होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है, आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है, उसका सौंदर्य कभी ना होगा, गाय का ताकतवर दूध होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। ऑप्शन नंबर थ्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है नयन अत्यंत सुंदर, अत्यंत दुष्ट हैं, किसान बहुत परिश्रम करते हैं, समुद्र का तट अत्यंत विस्तृत है, उस पर खूनी हमला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नयन अत्यंत दुष्ट है। 11 प्रश्न, खालिस्तान उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न उपर्युक्त शब्द द्वारा कीजिए। निर्देशक, डाकिया, मुखिया, विज्ञापन। तो कौन लाता है? विज्ञापन, ऑप्शन नंबर फोर आपका
राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञापन उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है विज्ञापन के द्वारा। जब अखबार में कोई भी चीज विज्ञापन के रूप में निकलती है तो हम उसको कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से निम्न वाक्य के लिए सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पांडुपुत्र अर्जुन खाली स्थान निशानेबाज वीर था। अनुपम अद्वितीय अनोखा अनूठा, तो कैसा था? अद्वितीय, जिसके समान कोई नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांडुपुत्र अर्जुन अद्वितीय निशानेबाज वीर था। 13वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मदमस्त हाथी अपनी धुन, हाथी अपनी ही धुन में चलते हैं। तो आपको बताना हाथी, कुंजर हाथ गज हस्ती। तो देखिए हाथी का कुंजर भी होता है पर्यायवाची शब्द, गज भी होता है, हस्ती भी होता है। क्या नहीं होता है? हाथ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं बताना था कि हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? 14वां प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक सकर्मक सजातीय विजातीय, कर्मक दुकर्मक गुणवाचक सर्वनामित। तो आपको पता है बचपन से पढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद कौन से होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? बढ़िया, शानदार। यदि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।